हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने यूपी टेट 2021 के लिए साइंस के 2000 एमसीक्यू की सीरीज को कवर कर रहे हैं। इसका ये नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 140 तक करने वाले हैं, जो स्पेशली आपके विटामिंस पे डिपेंड होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? दोस्तों, विटामिन्स जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप इसका आंसर क्या लगाते हो? निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो जो सहायक आहार कारक कहा जाता है वो विटामिन को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फोर। अगला प्रश्न है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में? तो दोस्तों, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा अगर पूछी जाए तो वो वसा में ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर इसका टू करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं? तो दोस्तों, सेब जो है हृदय रोगियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खाने को बोला जाता है क्योंकि यह स्रोत है केवल पोटेशियम के। तो ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो मिर्च, कुंभड़ा और मटर, मूली में से मिर्च में विटामिन सी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च खाइए कोरोना टाइम में। विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन ए, डी, के, सी में जो विटामिन सी है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर टू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो दोस्तों, आंत के जीवाणुओं के द्वारा जो संश्लेषित होता है वो विटामिन के होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो पपीता, सेब, अमरूद, आम में, आम जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई सरसों के तेल में से गेहूं अंकुर का तेल है, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोन। तो विटामिन ए या फिर विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमें अलग से विटामिन लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों, ये होता है आपका विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए आवश्यक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में? आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चावल, मूँगफली, सेब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मूँगफली में तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसमें वसा भी साथ में पाई जाती है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू। अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो दोस्तों, जो मानव के बाल एवं नाखून होते हैं उनमें केराटिन प्रोटीन विद्यमान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू होगा। तो ये रहे आज आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरे चैनल से आपको 2000 एमसीक्यू करने हैं यूपी टेट के लिए। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख करके अपने 140 क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। साथ में 2000 क्वेश्चन आपको मेरे चैनल से ज़रूर कवर करने हैं। अगर चैनल पर आप अभी तक न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, धन्यवाद।